मुझे लगा कि इन्होंने थ्योरी को तो पढ़ ही लिया होगा, आज मैं प्रैक्टिकल भी करवा ही देता हूँ, केस दर्ज करने से केस हारने तक का। मैं ये साबित कर दूंगा कि आहान गुनेगार है। आप प्रोसीड कीजिए। थैंक यू माय लॉर्ड। आहान एक फ्लॉप सिंगर था, अ फेल्ड पर्सन। इसके पास कोई काम वाम नहीं। हाँ, इसने थोड़ा बहुत नाम वाम इसलिए कमाया क्योंकि इसने रंगोली के साथ एक कॉन्सर्ट किया। ये गलत है। आहान के पहले भी गाने हिट थे और हैशटैग आहंती वो तो वायरल। ऑर्डर ऑर्डर, आप बैठ जाइए और तभी बोलिए जब आपको कहा जाए, और वो भी कटकरे में आकर। थैंक यू माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, इस आहान ने काम और शौहरत की लालच की वजह से रंगोली के साथ दोस्ती की, और उसके बाद जब थोड़ी बहुत स्टारडम इसमें आ गई, इसका नाम होने लग गया, तब इसने अपने असली रूप दिखाना शुरू कर दिया, असली रंग दिखाए। इसने रंगोली की इज्जत पर हाथ डाला। झूठ, ये झूठ है। दोस्ती रंगोली ने की थी और काम काम भी रंगोली ने ऑफर किया था। ऑर्डर ऑर्डर, आप इन्हें चुप करवाइए वरना मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुर्म में इन्हें अंदर कर दूंगा। बैठ जाइए, बैठिए। लगता है कि पूरी फैमिली ने लॉ किया है और सबके सब इसी केस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। ऑर्डर ऑर्डर, आप लोग शांत रहिए। खैर, मैं ये कह रहा था, मैं ये कह रहा था माय लॉर्ड कि ये केस आईपीसी सेक्शन 351, 354, 354A एंड 509 के अंडर फाइल हुआ है माय लॉर्ड। और एनीवे, ये साहब पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की तो इन्होंने अपना क्राइम तो साबित कर ही लिया है। लेकिन हर कोर्ट का एक प्रोसीजर होता है, उसके लिए हमारे पास काफी सबूत भी हैं, गवाह भी हैं, जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं ताकि दुनिया को यह पता चल जाए कि मेरे क्लाइंट के साथ उस रात इन्होंने क्या किया था। प्लीज गिव मी परमिशन। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू माय लॉर्ड। प्रोजेक्टर प्लीज। डार्क, की भी फिल्म बन गई, लॉक हीरो कहीं का। तुम क्या कर क्या रहे हो? तुम्हें उसके पास नहीं जाना है। माय लॉर्ड, गौर से देखिए इस फुटेज को और समझने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो एल्बम के जो डायरेक्टर मिस्टर सुरेंद्र, किस तरह वो मना कर रहा है आहान को कि वो रंगोली के पास नहीं जाए, लेकिन आहान मान नहीं रहा है। इतना बेशर्मी है, बेशर्मी की भी हाथ होती। तीसरी फुटेज लगाइए। माय लॉर्ड, ये देखिए, ठीक 11:23 पर रंगोली आहान को उसके कमरे में लेके जाने की कोशिश कर रही है। ठीक 12:57 पर रंगोली कमरे से बाहर भाग रही है अपनी इज्जत बचाने के लिए। रोशनी की जाए। माय लॉर्ड, उस रात को कमरे में क्या हुआ होगा सोचकर दिल दहल जाता है। इस कोर्ट में तो रोशनी हो ही जाएगी,
लेकिन अगर आपको इस समाज में रोशनी करनी है, विक्टिम के घर में रोशनी करनी है, इस समाज में हर लड़की की जिंदगी में रोशनी करनी है, तो आपको ऐसे क्रिमिनल को सख्त से सख्त सजा देनी होगी। माय लॉर्ड, ये वीडियो एक सबूत है कि जो इस लड़के के खिलाफ हमें सबूत मिले वो दावे नहीं, सच्चाई है, सच्चाई। योर ऑनर, उस टाइम मेरी तबीयत खराब थी, ये बात मैंने रंगोली को भी बताई थी। ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट की मर्यादा को बनाए रखिए। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। प्रोसिक्यूटर ये जजमेंट कैसे दे सकते हैं? ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। ये जजमेंट नहीं दे रहे, अपना पक्ष रख रहे हैं और ये उनका हक है। ओवररूल का मतलब समझती हैं आप? आप ये केस हार रहे हैं। ये वो देश है जहां मंदिरों में पत्थरों की मूर्ति को देवी की तरह पूजा जाता है और बाहर देवियों को पत्थर की तरह ट्रीट किया जाता है, उन्हें बदनाम किया जाता है, उन्हें घसीटा जाता है, उन्हें तोड़ा जाता है। ऐसे में सारी औरतों को एक साथ खड़ा होना चाहिए और अफसोस इस बात का है माय लॉर्ड, आज इस कोर्ट में एक औरत दूसरी औरत को झूठा खिलाने के लिए। माय लॉर्ड, हमारी सोसाइटी ऐसी है कि वो हमेशा औरतों में नुक्स ढूंढती है और यहां दबे जुबानों के नीचे कोई कुछ नहीं बोलना चाहता, सब चुप। और यहां मेरी क्लाइंट, इसकी हिम्मत की दाद दीजिए, इसने ना ही अपनी स्टेटस की परवाह की बल्कि जुर्म के खिलाफ इसने आवाज उठाई। क्या हम अपने भाई, अपने बेटे के प्यार में इतने अंधे हो गए कि हमें इसका जुर्म नजर नहीं आ रहा? मैं फिर कहूंगा माय लॉर्ड, कोर्ट में तो रोशनी हो जाएगी लेकिन इस सोसाइटी में रोशनी तब होगी जब आप इसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। सर, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता सर ये सब कैसे हो रहा है। माँ, मैंने सच में कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं याद माँ। आई स्वेयर मैंने कुछ नहीं किया माँ। ऑर्डर ऑर्डर, जब आपसे कहा जाए तभी आप बोलिए। अपने बच्चे तुझको प्यारे रावण हो या राम, अनिरुद्ध साहब। थैंक यू माय लॉर्ड। आपको अपने क्लाइंट के डिफेंस में कुछ कहना है? जी योर ऑनर, कहना बहुत कुछ है मुझे, बहुत सारे सबूत पेश करने हैं, बहुत कुछ साबित करना है, लेकिन प्लीज मुझे इस केस की तैयारी के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, ये क्या कह रही हैं? केस तो पानी की तरह साफ है। खंडेलवाल साहब, हैव पेशेंस, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ही फैसला होगा। तब तक आप अपनी गेम रिज्यूम कीजिए। अब इस केस की सुनवाई 2 दिन के बाद होगी। द कोर्ट इज एडजर्न। काफी पैसे वेस्ट हो गए ना तुम्हारे, बहुत खर्च किए होंगे ताकि आहान को कोई लॉयर ना मिले, लेकिन आहान के लिए जो बेस्ट लॉयर उसे खरीदना तो तुम भूल ही गए। उसकी माँ, जितने पैसे बढ़ाकर देने हैं ना दे दो, तुम उन्हें नहीं खरीद पाओगे। Oh,
आंटी थोड़ा आराम कर लीजिए, ले लीजिए। थैंक यू बच्चे। पंक्ति, ये केस मैंने जितना सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। ये फुटेज इस एंगल से देखो तो फिर तो दिनेश खंडेलवाल की सारी दलीलें आसानी से साबित हो जाती हैं, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है कि कौन किसे धक्का मार रहा है। फिर तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट रंगोली की ही साइड लेगा। पंक्ति, काश पंक्ति हम ये फुटेज किसी और एंगल से देख पाते, लेकिन पता नहीं वहां कोई और सीसीटीवी कैमरा है भी या नहीं। एक सेकेंड पंक्ति, थोड़ा सा वीडियो पीछे करना। एक मिनट पंक्ति, ये देखो यहां साफ साफ नजर आ रहा है कि दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। ये आदमी आंटी, हो सकता है इसने कुछ देखा, इससे हमें कोई क्लू मिल जाए। आंटी, आदमी हमारी उम्मीद है। पंक्ति, मैं कुछ समझी नहीं, तुम क्या कहना चाह रही हो? आंटी एक मिनट रुकिए। हेलो उदय, तुम्हें अभी कोलकाता जाना होगा। कोलकाता? पर क्यों पंक्ति, क्या हुआ, अच्छे से बताओ। उदय, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी, लेकिन प्लीज अभी मैं जो कह रही हूँ ना, तुम प्लीज वो करो, तुम जल्दी जाओ। ठीक है, ओके, थैंक्स। आंटी ये देखिए, ये आहान का कमरा है और ये रंगोली का कमरा है। दोनों के कमरे साइड बाय साइड। अब मान लीजिए कि आहान रंगोली को वाकई में धक्का मार रहा था, तो वो उसे उसके कमरे में क्यों लेकर गया? अगर आहान की रातें वाकई में बुरे थे तो इस हिसाब से ये आहान का कमरा है और ये कमरा पहले पड़ता है, तो आहान रंगोली को अपने कमरे में ले जा सकता था ना, वो उसके लिए और आसान होता, राइट? ससुराल जा रही हो? शादी के बाद लड़कियां ससुराल ही जाती हैं। असली सोने का है? माँ छोड़ दो, माँ दे दो। हाँ, ये कोई नॉर्मल नेकलेस नहीं है, ये मुझे मोंटी जी ने दिया था बहुत प्यार से, कई यादें जुड़ी है माँ इसमें मुझे दे। अरे वाह, अच्छा बहाना है हाँ चीजें ऐठने का, यादें जुड़ी हुई, ले जाओ। बहुत जल्दी मेरे पास भी ना ऐसे दर्जनों नेकलेसेस होंगे और उनमें यादें नहीं, रूबीज और डायमंड्स जुड़े होंगे। मतलब? अरे जब अपर्णा जी अपना केस हार जाएंगी तो वो तुनतुना मास्टर तो जेल चला जाएगा और मेरी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी फिर से आजाद हो जाएगी। माँ नहीं चाहती कि आनी केस जीते। अरे पूर्वा, मेरे जाने से क्या होता है, सारे सबूत उसके खिलाफ है। तू जा, तू ससुराल जा, जब पंक्ति वापस आ जाएगी ना तो मैं उसे हर महीने एक नए ससुराल भेजूंगी और फिर देखना मेरे पास भी नेकलेसेस का भंडार बन जाएगा। अरे ऐसे क्या देख रही, उसके नसीब में रखनी बनना ही लिखा हुआ है, उसे कोई नहीं बदल सकता, समझी? तो ये वो जेडी फेम की रखनी है। Yes. लेकिन ये जो आहान की टू बी वाइफ है, ये तो उसके बड़े पापा की एक्स रखनी थी। हाँ, very interesting. यानी हर चीज घर में ही रखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग फैमिली है। ओह, ये देखो अब मम्मी LLB पूड़ियां तल के
किचन से आ रही हैं। Oh yes, cheers. Cheers. हमारी जीत के नाम। क्या नाम बताया तुमने उसका? पंक्ति। पंक्ति। यानी छेड़ी की रखने। कहाँ रखती है नोट्स? ये रहे। आंटी, केस से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स, जो भी नोट्स हैं, वो इन फोल्डर्स में। पंक्ति, मुझसे ज्यादा तैयारी तो तुमने कर रखी है। तैयारी तो उसी दिन हो गई थी पंक्ति, जब तुम और मैं साथ हो गए थे। अब आहान को यमराज भी नहीं छू सकते। फिर ये डीके क्या चीज है? पता नहीं यार, सब कुछ केस पे डिपेंड करता है। अगर हम केस हार गए ना, तो कंपनी की गुडविल भी चली जाएगी। एनीवेज, तुम ऑफिस संभालो, मैं कोर्ट के बाद मिलता हूँ। विक्रम, तुम्हें लगता है कि हम ये केस जीत पाएंगे? रिचर्ड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, डीके बहुत स्ट्रॉन्ग लॉयर है। हमें भी किसी प्रोफेशनल को ही हार करना चाहिए था, क्योंकि मेरा घर, मेरी कंपनी, सब दांव पे लगे हुए हैं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। विक्रम, डीके जिस तरह इस केस को प्रेजेंट कर रहा है ना, मुझे सच में अपने चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। छोड़ो ये सब, चलो कोर्ट चलने का टाइम हो गया। मॉम, ये कोर्ट आप पे सचमुच जचता है। स्ट्रॉन्ग रहना मॉम। बचपन में जैसे आप हमें डांटा करती थी ना, बस वैसे ही उस डीके को भी डांट देना। हाँ चाची, डीके की आंखों में ऐसे घूर के देखना कि कुछ बोल ही नहीं पाएगा आपके सामने। और एक बात, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या कोई डाउट हो ना, तो कोर्ट में टाइम मांग लेना, जैसा पिछली बार किया था। आई लव, ग्रेट स्ट्रैटेजी। आप लोगों को अपर्णा आंटी पर विश्वास नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है पग, हमें अपर्णा पर पूरा विश्वास है। अरे, शीतल दीदी का कॉल। थैंक यू दीदी। दीदी सच में आज आपके कॉल की बहुत जरूरत थी मुझे। आप देखिएगा, आपसे बात हो गई है ना, मेरा हौसला और भी बढ़ जाएगा। आप चिंता मत कीजिए दीदी, हम ये केस नहीं हारेंगे। अपना ध्यान रखिएगा, बाय। काश भाभी यहां होती। जानते हो, भाभी हमेशा एक बात कहती है, प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर फैमिली एक साथ हो ना, तो हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। मानव जी, शीतल दीदी यहां हो या ना, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। और आहान को घर वापस लाने के लिए हमारे लिए वही काफी है। चलें।